हाय फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं एडवांस शॉट पार्ट 3 की, और इसके अंदर हम 3 एडवांस शॉट्स आज आपको दिखाएंगे। 2 जो हमारे एडवांस शॉट्स हैं वो सारे बैट्समैन खेलते हैं, और एक हमारा थोड़ा सा एडवांस शॉट क्लासिकल है, वो सिर्फ एक बैट्समैन टाइप खेलते हैं, तो इस वीडियो के अंदर वो हम आपको बताएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं अपने एडवांस शॉट पार्ट 3, और जो सबसे पहले हम एडवांस शॉट आपको दिखाएंगे वो एडवांस शॉट 125 है, और ये जो एडवांस शॉट है रियल क्रिकेट 20 में भी खेलते थे, और ये काफ़ी स्टाइलिश लगता था, स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए इफेक्टिव होता था। तो ये जो है ये 7 PM का शॉट है, और आपने थोड़ा सा इसको अर्ली के बाद खेलना है, लेट भी नहीं खेलना, मीडियम टाइमिंग से खेलना है, फिर कनेक्ट होगा और सिक्स होगा। और जो इसकी लेंथ है और वो आप कह लें गुड लेंथ है, और गुड और फुल के बीच में है। अब शॉर्ट मैप में इसको सेलेक्ट देखते हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये जो शॉट है ये 7 PM पे एग्जिस्ट करता है, और इस शॉट का जो नंबर है वो शॉट नंबर 125 है, और ये हर किस्म के बैट्समैन खेलते हैं, चाहे ब्रूट हो, बैलेंस्ड हो, डिफेंसिव हो या रेडिकल हो। और इस शॉट की एक ये लेंथ जो है वो गुड लेंथ पे होगी, फुल एंड गुड लेंथ के बीच में होगी, ना ये शॉर्ट बॉल पे ये शॉट लगेगा और ना यॉर्कर पे। और हम इसकी पोजीशन और टाइमिंग रियल मैच में देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ में बॉलर जो है वो बॉल कराएंगे, और हमने इनका पेस देखना है, पेस कहते हैं फास्ट और मीडियम के आसपास है, और हमने जब बॉल डिलीवर हुआ उसके बाद प्रेस किया बटन, तो ये देखें कनेक्ट हो गया और सिक्स हो गया। तो इस शॉट की टाइमिंग ट्रिक ये है कि आपने इसको बिल्कुल अर्ली भी नहीं खेलना, अर्ली और मीडियम के बीच में टाइमिंग करनी है, तो ये शॉट कनेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरा शॉट एडवांस शॉट 311 देखेंगे। ये जो शॉट है ये भी बड़ा स्टाइलिश शॉट है, और ये भी हर किस्म के बैट्समैन खेलते हैं। इसका प्रीव्यू हम पहले देखते हैं, लेकिन कितना ज़बरदस्त ये शॉट है और बड़ा स्टाइलिश शॉट है, और इस शॉट को भी सारे बैट्समैन खेलते हैं। तो इस शॉट को भी हम शॉट मैप के अंदर अभी देखते हैं कि शॉट मैप के अंदर ये किस तरीके से, मतलब किस शॉट किस क्लॉक पे PM पे ये एग्जिस्ट करता है। तो ये 10 PM का शॉट है, और ये 10 PM के शॉट जो है ये एग्जिस्ट करता है शॉट नंबर 311, और हर किस्म के बैट्समैन जो है इसको खेलते हैं, चाहे रेडिकल, ब्रूट, बैलेंस, डिफेंसिव। अब इसकी पोजीशन टाइमिंग की बात करते हैं, लेंथ वही रहेगी इसमें भी कि शॉर्ट बॉल पे नहीं लगेगा, फुल बॉल पे नहीं लगेगा, गुड लेंथ की बॉल पे लगेगा, गुड लेंथ एंड फुल के बीच में भी लग सकता है। और आपने इसको अर्ली और मीडियम के बीच में खेलना है शॉट को, बॉलर का पेस देखते हुए, बॉलर किस टाइप को है, बॉलर के टाइप के फास्ट है, मीडियम है, मीडियम पेसर, आपने कनेक्ट करना, और ये 6 या 4 हो जाएगा। अब जो तीसरा शॉट हम बात करें एडवांस शॉट 56 है, ये सिर्फ बैलेंस बैट्समैन खेलते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा क्लासिकल शॉट लगता है। इसका पहले हम प्रीव्यू देखते हैं। इस शॉट की भी ट्रिक यही है कि आपने इसको जो है वो अर्ली थोड़ा सा खेलना है, और ये देखें कनेक्ट हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इस शॉट को आपने बॉलर को देखते हुए खेलना है, इसकी लेंथ भी वही रहेगी, गुड लेंथ और फुल के बीच में भी लग सकता है, गुड लेंथ में भी, शॉर्ट पे नहीं लगेगा शॉर्ट लेंथ। अब शॉर्ट मैप में हम देखते हैं, तो शॉर्ट मैप के अंदर 7 PM का शॉट है, शॉट नंबर 56, और इसको सिर्फ जो है वो बैलेंस बैट्समैन खेलते हैं। अब इसकी पोजीशन एंड टाइमिंग ट्रिक जो है वो देख लेते हैं। तो आपको मैंने लेंथ तो बता दी थी कि लेंथ जो है गुड लेंथ पे लगता है, गुड लेंथ और फुल में भी लग जाएगा, बाउंसर पे नहीं लगेगा और बिल्कुल यॉर्कर पे नहीं लगेगा। तो आपने ना बॉल हाथ से रिलीज हुई, आपने प्रेस किया बटन, और आपने स्पेस जो है वो एक स्पेस बना के रखनी है, तो देखें कनेक्ट हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हम एडवांस शॉट फॉर स्पिनर्स भी लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।